नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। न्यूज रूम में आज हम फिर से आपके लिए कुछ न्यू अपडेट्स लेकर आए हैं। न्यूज रूम में सबसे पहले बात करते हैं पंचायत चुनाव की। मध्य प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव जो है वो नहीं होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कानूनी सलाह लेने के बाद चुनाव को निरस्त करने का फैसला ले लिया है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग BS जामोद ने कहा कि कानूनी राय के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है। आयोग ने यह भी कहा कि जिन कैंडिडेट ने नामांकन के साथ जमानत की जो राशि है वो जमा की थी वो उन्हें वापस लौटा दी जाएगी। इस फैसले के लिए आयोजित बैठक में जामोद के अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव सहित अन्य अधिकारी इसमें मौजूद रहे। आपको बता दें कि आयोग में सोमवार को 3 बार बैठकें हुई थी। इस दौरान आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ का लीगल ओपिनियन अफसरों को मिला था, लेकिन 2 अन्य वकीलों की कानूनी सलाह नहीं मिल पाई थी। इसी वजह से मंगलवार तक के लिए यह फैसला टाल दिया गया था और अब यह फैसला ले लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिटायर्ड अधिकारियों की। तो नए साल में 2 PCCF सहित 26 IPS अधिकारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इनमें 10 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी भी हैं। और यही नहीं, वन विभाग के संगठनात्मक ढांचे में भी बड़े बदलाव अब नजर आने वाले हैं। प्रधान प्रमुख वन संरक्षक मुख्यालय सतपुड़ा में बैठने वाले अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षकों की जगहों पर DFO स्तर के अधिकारी अब बैठे हुए नजर आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल की। तो होटल, रेस्टोरेंट और घरों से निकलने वाले यूज्ड कुकिंग ऑयल से भोपाल में अब बायो डीजल बनेगा, इस बात की जानकारी दी गई है। हम आपको बता दें कि डोर टू डोर ऑयल जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। इसकी लोगों को कीमत भी चुकाई जाएगी। भोपाल नगर निगम गोल्ड प्लग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए ये काम करने वाला है। इसके लिए दोनों के बीच MOU जो है वो भी साइन हो चुका है। राजधानी भोपाल व आसपास के इलाकों में हर रोज एवरेज 100 टन ऑयल की रोज सप्लाई होती है। इनमें से अधिकांश तेल जो है वो होटल और रेस्टोरेंट में यूज किया जाता है। वेस्ट ऑयल को हमेशा से फेंक दिया जाता था, लेकिन अब इसे यूज किया जाएगा और इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होने की बात कही गई है। लेकिन अब यही यूज्ड कुकिंग ऑयल कमाई का जरिया जो है वो भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या नुकसान और क्या बचने के तरीके हैं ये भी बताया गया है। निगम कमिश्नर KVS चौधरी ने बताया है कि गोल्ड प्लग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से शहर में यूज्ड कुकिंग ऑयल को डोर टू डोर अब कलेक्ट किया जाएगा। ऑयल के वजन और मात्रा के हिसाब से राशि का भुगतान कर उन्हें रसीद भी दी जाएगी। MOU के मुताबिक लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के साथ ही उपयोग किए गए कुकिंग ऑयल से होने वाले नुकसान और उसके बचाव के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। किस तरह से इसका काम होगा उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। दरअसल MOU के अनुसार नगर निगम, रहवासी संघों, रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, कॉलोनियों, कवर्ड कैंपस, कोऑपरेटिव सोसाइटी आदि में जले हुए तेल से होने वाले नुकसान व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी संबंधित NGO और स्वास्थ्य एम्बेसडर के माध्यम से देगा। वहीं चलित कचरा वाहन के माध्यम से भी जले हुए खाद्य तेल को निकालने और उसके निपटारे के संबंध में जागरूक करने का प्रयास करेगा। विभिन्न जगह उपयोग किए गए खाद्य तेल को एकत्रित करने के लिए ड्रम जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। लोगों से प्राप्त तेल के वजन आदि की रसीद जो है वो स्थल पर ही दे दी जाएगी, जिस पर मात्रा और कीमत दोनों ही अंकित की जाएगी। इसका भुगतान प्रतिमाह ऑनलाइन किया जाएगा। राशि अभी जो है वो तय नहीं की गई है कि किस हिसाब से राशि दी जाएगी। इस तेल से बायोडीजल आगे जाकर बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं IPS अफसरों की, जिनका ट्रांसफर हो चुका है। राज्य सरकार ने मंगलवार को 24 IPS अफसरों के तबादले के आदेश जो हैं वो जारी कर दिए हैं। इसमें भोपाल के एडिशनल CP इरशाद वली को प्रभारी IG ग्रामीण जोन भोपाल का जिम्मा दे दिया है। सचिन अतुलकर को एडिशनल CP भोपाल बनाया गया है। इसी तरह RK हिंगणकर को इंदौर एडिशनल CP बनाया गया है। यह दोनों अपने अपने शहर के DIG कहलाने वाले हैं। दोनों पुलिस कमिश्नर को रिपोर्टिंग भी करेंगे। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को दोनों शहरों में कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद से कई पद जो है वो खाली हो चुके थे। अब इन्हीं पदों को भरने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है। एडिशनल CP इरशाद वली को हटाने के पीछे की वजह उनका प्रमोशन बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना की। तो मध्य प्रदेश में कोरोना जो है वो बेलगाम होता जा रहा है। एक हफ्ते में इसकी रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ी है और दुगनी हो चुकी है। हर 10 नए केस में 8 इंदौर और भोपाल के निकले हैं। 24 घंटे में कई मामले भी सामने आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उसमें 77% फुली वैक्सीनेटेड लोग भी हैं।
इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 दिन में प्रदेश में रोज़ाना औसतन 34 से ज़्यादा केस मिल रहे हैं। इसके पहले के सप्ताह में हर दिन औसतन 20 केस मिल रहे थे। चौंकाने वाली बात यह भी है कि 24 घंटे में जो भी कोरोना के केस सामने आए हैं उसमें 77% फुली वैक्सीनेटेड लोगों की बात भी बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। मध्य प्रदेश में दिन का पारा जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। सागर में 10, इंदौर और भोपाल में 9 डिग्री तापमान जो है वो बताया जा रहा है। उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में मंगलवार को जोरदार बारिश हुई है। कई जगह ओले गिरे हैं और कई जगह गरज चमक के साथ बारिश भी हुई है। इससे मौसम में ठंडक घुल चुकी है। दिन का पारा जो है वो सबसे ज़्यादा सागर में 10 डिग्री सेल्सियस लुढ़क चुका है। इंदौर भोपाल में भी पारा 9 डिग्री सेल्सियस की रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। दिन और रात के तापमान में कई जगह 4 डिग्री का अंतर भी रहा। इससे चलने वाली शीतलहर ने लोगों को कपकपा दिया है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने यह भी बताया है कि 24 घंटे तक इसी तरह मौसम बना रहेगा और बुधवार को प्रदेश के कई इलाकों में कोहरा रहेगा, जबकि कई जगह गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना भी मौसम वैज्ञानिक ने जताई है। तो न्यूज रूम में फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।